Assalamu alaikum, dear students. Today, we are going to discuss lecture number 5 of the database management system course. As usual, in the beginning, we will briefly review the topics that we covered in the previous lecture. In the previous lecture, we completed the discussion on the three level architecture of the database. Then, we discussed an outcome of the three level architecture that was data independence. We also studied Two different types of data independence, which are logical data independence and physical data independence. After that, we discussed different functions of the DBMS, and at the end of the previous lecture, we discussed different uh, environments of the DBMS, the environments in which uh, DBMS is used. Today, we are going to discuss the database application design approach. द डिजाइन प्रोसेस सो लेट स्टार्ट विध टूडेज लेक्चर द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिज द डाटा बेस एप्लीकेशन डिवेलमेंट प्रोसेस डियर स्टूडेंट्स इस जगह पर मैं आपको एक बात थोड़ी सी एक्सप्लेन uh, करता चलूँ कि जो डाटा बेस एप्लीकेशन डिवेलमेंट प्रोसेस है इसको हम ब्रीफली डाटा बेस डिवेलपमेंट प्रोसेस भी कह सकते हैं दूसरी बात यह है कि आपको uh, जो मैं प्रोसेस uh, या जो मैं अप्रोच यहाँ पे इस कोर्स में बताऊंगा दिस इज नॉट द ओनली अप्रोच दिस इज नॉट द ओनली प्रोसेस आप एक चीज देखेंगे कि जो डाटा बेस की मुख्तलिफ बुक्स हैं उनमें इस प्रोसेस को इतनी तफस से डिस्कस नहीं किया गया होता उसकी वजह यह है कि जो डाटा बेस का कोर्स होता है उसका जो मेन एफिस होता है वो आपको उन टूल्स के ऊपर उन मैथडोलोजीज के बारे में आ, बताना होता है या उनके बारे में गाइड करना होता है जिनका ताल्लुक डायरेक्टली डिजाइन के साथ है और वो जो डाटा बेस के डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनको डिस्कस किया जाता है जो डाटा बेस की बुक्स हैं वो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है डाटा बेस का या डाटा बेस एप्लीकेशन का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको डिस्कस नहीं करती क्यों इसलिए कि वो इन इट एक अलग से बड़ा टॉपिक है और उसके लिए एक बाकायदा अलग से सब्जेक्ट है जो तो कि है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो उसके ऊपर एक या दो या तीन सब्जेक्ट्स जो हैं वो नॉर्मल जो आपका क्रिकुला है चाहे वो बी और एम का है उसमें शामिल है लेकिन जो प्रोसेस मैं यहां पर आपको बता रहा हूं वो भी एक वैलिड सही प्रोसेस है लेकिन इससे जो बेहतर प्रोसेसेस हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स के अंदर उसकी बुक्स के अंदर आप लोग पढ़ते हैं उस जो प्रोसेसेस आप जो डिफरेंट मेथडोलॉजी सिस्टम डेवलपमेंट की आप सॉफ्टवेयर uh, इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं उनमें से जो पार्ट डेटाबेस डेवलपमेंट से ताल्लुक रखता है वो आप यहां पे पढ़ रहे हैं इस कोर्स का जो एम्फेसिस है यानी जो डेटाबेस का जो कोर्स होता है उसका एम्फेसिस सिस्टम डेवलपमेंट के उस पार्ट के साथ होता है जहां पर के डेटाबेस डेवलपमेंट का कंसर्न होता है लेकिन इस कोर्स के की कंप्लीटनेस के लिए मैं एक जो ट्रेडिशनल अप्रोच है सिस्टम डेवलपमेंट की उसको डिस्कस करूंगा ताकि हमारा जो कोर्स है उसकी तमाम स्टेजेस मुकम्मल रहे अदरवाइज आप यह जहन में रखिएगा कि दिस इज नॉट द ओनली प्रोसेस दिस इज नॉट द ओनली अप्रोच और भी के अप्रोचेज हैं इससे बेहतर अप्रोचेज हैं वो लेकिन यह भी वैलिड है इसके अलावा एक और बात यह है कि वट डू वी मीन बाय डाटा बेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस इससे बुरा यह है कि हम किसी भी सिस्टम का किसी भी सिस्टम के लिए डेटाबेस को डेवलप करें और आप याद रखिएगा कि आप जो हमने शुरू में डेफिनेशन डिस्कस की थी उनमें एक डेफिनेशन ये भी थी कि ए डेटाबेस मॉडल्स ए रियल वर्ल्ड सिस्टम इन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ डाटा तो जो ये प्रोसेस है कि जब आप रियल वर्ल्ड सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं डाटा की शक्ल में ये जो हमारा लेक्चर है ये उसके फेजिस को स्टेप्स को रिव्यू करेगा पहले और उसके जो वो फेजेस जिनका डेटाबेस सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली ताल्लुक है उनको बहुत डिटेल से डिस्कस करेगा जबकि बाकियों को हम निस्बता हल्का टच करेंगे आज के लेक्चर में हम इसके अलावा जो हमारे पास जो डिजाइन प्रोसेस है डेवलपमेंट प्रोसेस है उसका जो फर्स्ट फेज है जिसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ द सिस्टम हम उसको आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस जो है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं ये देखते हैं डाटाबेस डिज़ाइन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ये वो तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपको शुरू में बताया है कि जो डाटाबेस की बुक्स होती हैं उनका जो, जो जर्नली कंसर्न होता है जो, जो जिस पे, जिस चीज़ पे उनका एम्फेसिस होता है वो फर्स्ट चीज़ है जिसमें यहाँ लिखा हुआ डाटा बेस डिज़ाइन जो आपकी चीज़ें जो आपके टूल्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं जो डाटाबेस की बुक्स हैं वो उस पर इंफोसिस करती हैं या जो उसके बाद फिर जो डाटा बेस की जनरल कैक्टरिस्टिक्स हैं या उसके जो और फंक्शन इन्वॉल्व हैं वो उसको डिस्कस करती हैं जो डाटाबेस की बुक्स हैं जनरली वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वाले पार्ट को और इंप्लीमेंटेशन को इतना डिटेल से डिस्कस नहीं करती क्यों बिकॉज दे आर कवर्ड इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टॉपिक लेकिन जाहिर है कि आपका एक जो जब हम ये कहते हैं कि हम जो हमारा डेटा बेस है एक रियल वर्ल्ड सिस्टम को इंप्लीमेंट करता है कंप्यूटर के अंदर डाटा की फॉर्म में इफ यू हैव जस्ट द डाटा ऑफ एनी सिस्टम इट इज ऑफ नो यूज फॉर 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 द द द द एंड यूजर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जाहिर है कि कंपनी के लिए तो वो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करेंगे जो कि उसको एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए दिखा रहे हैं उनका गरज तो उससे है दैट इज मोर यूजफुल टू दैम अंडरलाइंग जो डेटाबेस uh, डिजाइन हुआ है जो इस्तेमाल हो रहा है उससे आम यूजर का एंड यूजर का कोई कंसर्न नहीं है इसलिए जो ये हमारा डेटाबेस डिजाइन है दिस इज़ प्योरली द द द कंसर्न ऑफ डिज़ाइनर डीबीए तो इस कोर्स के अंदर uh, जैसे मैंने आपसे कहा है कि फॉर द सेक ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स मैं जो बाकी दो फेजेस हैं यानी जो एप्लीकेशन प्रोग्राम जरा पार्ट है और तो है उसको भी डिस्कस करूंगा बट अगेन कोर्स वुड बी ऑन द डेटाबेस डिजाइन थिंग अभी जो हम ये डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें बेसिकली तीनों ही चीजें शामिल हैं तो लेकिन हमारा एम्फेसिस जो है वो उन फेजिस फर्स्ट जो फेज है डेटाबेस डिजाइन इसको डिस्कस करें आइए देखते हैं अब ये डिफरेंट uh, चीजें जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं उनकी ऑफ एक रिकेप है कि डाटाबेस डिजाइन इज ए मॉडल ऑफ ए पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड सिस्टम यानी जैसे मैंने आपको डेफिनेशन का रेफरेंस दे रहा हूं कि जो आपका डाटा बेस सिस्टम है वो एक रियल वर्ल्ड सिस्टम को डिजाइन करता है मॉडल करता है रिप्रेजेंट करता है पोर्ट्रे करता है इन टू द कंप्यूटर इट प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ रियलिटी द सेम थिंग शुड बी सिंपल एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दिस थिंग इज बिंग सेट अबाउट द डाटा बेस डिजाइन यानी वो ऐसा होना चाहिए कि वेन सीज इट इट गेट्स ए पिक्चर ऑफ द सिस्टम दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग इसमें एक और चीज ये होती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें लोग आते और जाते रहते हैं तो लेट्स से किसी एक स्टेज पे एक डीबीए ने या डिजाइनर ने अगर एक चीज डिजाइन की है हो सकता है कि वो डीबीए या डिजाइनर वहां ना रहे और बाद में कोई और लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं वो उसको देखना चाहते हैं समझना चाहते हैं या उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए योर डिजाइन शुड बी सिंपल एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ताकि वो लोग जो है उसको समझ सकें और उसका कोई इस्तेमाल कर सकें आइए आगे चलते हैं अब हम पढ़ने जाएंगे वट इज डेटा बेस डिपमेंट प्रोसेस इसमें आपको जो डेटा बेस डेवेलपमेंट प्रोसेस है उसकी एक खास अप्रोच जो है उसके स्टेप्स आपको दिखा रहा हूं सबसे पहले है प्रिलिमिनरी स्टडी यानी सबसे पहले इसका मतलब यह है, इस phase का मकसद यह है कि आप उस सिस्टम को अंडरस्टैंड करें उसको समझें जिसको कि आप डिजाइन करने जा रहे हैं डेवलप करने जा रहे हैं जाहिर दिस इज द फर्स्ट एंड द बेसिक स्टेप बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग सिस्टम इट्स फंक्शनैलिटी प्रोसेस इज इनके बगैर डेवलप कर सकें ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप है किसी भी का. उसके बाद यह वंस यू हैव अंडरस्टूड द वर्किंग ऑफ द सिस्टम देन यू आस योर यूजर योर कस्टमर योर ऑर्गेनाइजेशन वट डू यू वॉन्ट फ्रॉम द डाटाबेस सिस्टम वट आउटपुट डू यू नीड फ्रॉम इट उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उनकी एक्सपेक्टेशन क्या हैं उन रिक्वायरमेंट्स को एक्सपेक्टेशन को जान के समझ के नाउ यू एनालाइज दैम फिर आप ये महसूस करते हैं कि इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए वट डाटा एंड वट रिलेशनशिप बिटवीन दैट डाटा शुड बी रिप्रेजेंटेड वो चीज जो है दैट हेल्प यू टू बिल्ड योर डाटा बेस डिजाइन क्योंकि जो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं एक्टिविटीज तो उन्होंने परफॉर्म करनी है

यानी उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जिस तरह का डाटा को चाहिए आप उसका डिजाइन करेंगे और हमारा जो इस कोर्स का जो एफिस है वो बेसिकली इसी फेज के ऊपर है कि हम किस तरीके से डाटाबेस को डिजाइन करते हैं और उसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती हैं इस कोर्स के अंदर हमारा जो मेन एफसिस है वो इसी फेज के ऊपर होता है लेकिन जैसे मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ दिस कोर्स मैं बाकी फेजेस भी ब्रीफली डिस्कस करूंगा उसके बाद है कि जो आपने डिजाइन किया उसको आपने इंप्लीमेंट करना होता है किसी डीबीएमएस के ऊपर और उसे हम कहते हैं फिजिकल डिजाइन तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन से क्लियर है कि जो फिजिकल डिजाइन है दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर डीबीएमएस दैट यू चूज फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ योर डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन इंप्लीमेंटेशन जो है इसमें Uh, जो इसकी जो डेफिनेशन है जो इसकी डिस्क्रिप्शन में इसमें मुख्तफ बातें शामिल हैं लेकिन हम अपने कोर्स के रेफरेंस से इम्प्लीमेंटेशन से मुराद ये लेंगे कि वी राइट द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स विद इन दिस फेज बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिजाइंड अवर डाटा बेस वी हैव डिजाइंड इट फिजिकली बाई अडोप्टिंग बाई चूजिंग ए पर्टिकुलर डी बी एम एस और नेक्स्ट फेज इज

उसकी भी मेंटेनेंस की जरूरत है. है, है? है कि यू ऑब्जर्व इट्स डे टू डे वर्किंग एक्टिविटीज हैं जिन परपजेज के लिए वो लिखा गया है जो उसकी रिक्वायरमेंट आया उनको प्रॉपरली फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा और फिर दूसरी बात यह है कि इसमें यह चीज भी शामिल हो जाएगी कि इफ यू वॉन्ट टू मेक अ न्यू एप्लीकेशन बिकॉज द देर इज ऑलवेज डिमांड ऑफ न्यू एप्लीकेशन तो जब भी यूजर आपको कहता है कि हमें ये एप्लीकेशन लिख दें, तो वो भी जो है वो दैट इज पार्ट ऑफ मेंटेनेस ये अलग बात है कि हो सकता है कि नई एप्लीकेशन के लिए आपको ये सारा सिस्टम जो यार सारा प्रोसेस है वो दोबारा रन करना पड़े तो ये एक पर्टिकुलर अप्रोच है जो कि जिसको कहना चाहिए कि जो कि डेटा बेस्ड डेवलपमेंट प्रोसेस है इसी तरह की सिमिलर अप्रोच एक और जो है ब्रीफली वो मैं आपको अगली स्लाइड में जब वो दिखाने जा रहा हूं वही दोबारा चीज कि हम यूजर के रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करेंगे इसमें जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी है और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं यूजर्स की उनका एनालिसिस भी है दोनों चीजें इसमें शामिल हैं उसके बाद है कि आप यू डेवलप ए कंसेप्चुअल मॉडल अब ये एक ऐसी चीज है कि जो दैट वॉज नॉट डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड लेकिन ये जो स्टेप है डिवेल्प कंसेप्चुअल मॉडल ये जो जिसे मैंने कहा था ना कि डिजाइन फेज पिछली आ, स्क्रीन में ये चीज़ उसमें शामिल है यानी आप ये समझ लें कि जो पहले हमारे दो फेजेस थे हमने कहा था कि प्रीलिमरी स्टडी और सेकंड में कहा था एनालाइज यूजर रिक्वायरमेंट्स वो दोनों थे वो फर्स्ट में शामिल थे एनालाइज यूजर इन्वायरमेंट जो हमारा था डेटाबेस डिजाइन वो यहां पर शामिल है डेवलपमेंट कॉन्सेप्चुअल मॉडल और इसमें कौन चीज ये देखें कि यहां पर जो एरो शो कर रहा है कि जो आपका कॉन्सेप्चुअल तो मॉडल है, है जो आप डेवलप करें दिस इज क्वाइट पॉसिबल के ड्यूरिंग दिस फेज यू हैव टू गो बैक टू द प्रीवियस फेज यानी आप यूजर से दोबारा जाके मिले दोबारा उससे पूछें कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसको एक्सप्लेन करें या उनको दोबारा से डिस्कस करें तो दैट इज वाई एन एरो हैज़ शोन अगेन द कंसेप्चुअल मॉडल से दोबारा एनवायरमेंट के एनालिसिस के ऊपर इस पर नेक्स्ट फेज है मैप कॉन्सेप्चुअल मॉडल टू द लॉजिकल मॉडल अगेन दिस फेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द डाटाबेस्ट डिजाइन फेज ऑफ द प्रीवियस इसका मतलब है कि वहां पे हमने जो बात की थी डाटाबेस डिजाइन की दैट कम्प्राइज टू टू डिजाइन टू फेजेस एक था Model, एक था लॉजिकल मॉडल एंड दीज आर गोइंग टू इन वेरी डिटेल बिकॉज दिस इज दस दिसल मॉडल डेवेलप करते हैं और वो होता क्या है इसी तरह कैसे हम लॉजिकल मॉडल डेवलप करते हैं वो क्या होता है इसके बाद है आप एक डी बी एस करते हैं पिछले साइड में आपको कहा गया था स्ट्रेट अवे के फिजिकल डिजाइन लेकिन जाहिर है कि जैसे मैं आपसे पहले भी कहा था कि योर फिजिकल डिजाइन इट डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर डीबीएमएस यहाँ पे वो फेज जो है वो एक्सप्लिसिटली दिखा दिया गया है कि आपने लॉजिकल मॉडल डेवलप करने के बाद आप एक पर्टिकुलर जो डीबीएमएस है वो सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट इज अगेन डिवेलप फिजिकल डिजाइन जो डीबीएमएस आपने सेलेक्ट किया है उसको इस्तेमाल करते हुए आप अपना डेटाबेस का फिजिकल डिजाइन करेंगे एंड अगेन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस

ऐसा हो सकता है कि जिस दौरान आप अपना डीमिया व्याट करके अपना आप फिजिकल डाटा डिजाइन कर रहे हो उस दौरान इन पैरल जो है वो किसी डमी डाटा के साथ डमी डिजाइन के साथ जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाना शुरू हो जाए लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये जो एक्टिविटी है ये फिजिकल डाटामिक्स डिजाइन के बाद हो रही होती है फाइनली है कि आप सिस्टम को टेस्ट करें और टेस्ट के बाद यह है कि आप उसकी जब आपने टेस्ट किया सिस्टम को एंड यू फाउंड इट वर्किंग प्रॉपरली देन यू इंप्लीमेंटेड द सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन और जहां भी आपने जिसके आपको डेवलप किया था लेकिन फिर वही बात है कि जैसे पीछे हमने कहा था कि आपने उसकी जो रूटीन की मेंटेनेंस करनी है वो यही चीज है कि अगर आ, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है जब उसको आप डिप्लॉय करते हैं इंप्लीमेंट करते हैं तो दोबारा हो सकता है कि आपको वो फेस करना पड़े क्विकली या थोरोली फर्स्ट फेज से एक बात और दूसरी बात यह कि फर्स्ट करें इफ़ देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ ए न्यू एप्लीकेशन तो योर एग्जिस्टिंग सिस्टम इज रनिंग योर डेवेलप सिस्टम इज रनिंग उसके साथ उसको एनहांस करने के लिए उसमें चेंजेस करने के लिए या नई चीज़ें डालने के लिए आपको हो सकता है दोबारा आपको फर्स्ट फेज पे जाना पड़े और वहां से इस प्रोसेस को नई से स्टार्ट करना पड़े तो यहां पर हमने जो हमारा जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको ब्रीफली डिस्कस किया है और माइंड इट ये प्रोसेस जो है ये दुरुस्त है ये एप्लीकेबल है लेकिन इससे बेहतर प्रोसेस जो हैं वो आप किसी और कोर्सेज पढ़ेंगे और आप डेवलपमेंट प्रोसेस के तौर पे उनको अडॉप्ट करेंगे लेकिन जो डिजाइन वाला पार्ट है वो हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं वही वहां पर भी एप्लीकेबल होगा आइए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ इसमें जो है वो हम नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट फेज ऑफ आवर डाटा बेस डेवलपमेंट प्रोसेस और वो ये है कि आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनालाइज करना है वट डू वी मीन बाय एग्जिस्टिंग सिस्टम एग्जिस्टिंग सिस्टम से ये मुराद है कि वो सिस्टम जो कि आपसे कहा गया है कंप्यूटराइज करने के लिए वो सिस्टम जिसका कि डाटा बेस बनाने के लिए आपको कहा गया है मिसाल के तौर पर आपको कहा जाता है कि एक कोई बैंक है हमारा पूरा सिस्टम आप डाटा बेस उसका बना दें उसमें बहुत से मुख्त सिस्टम भी हो सकते हैं मिसा के तौर तो पर एक बैंक में जो है वो लॉकर्स को मेंटेन करने का एक अलग सिस्टम है लोन्स का एक अलग सिस्टम है इसी तरह आपके जो अकाउंट्स जो नॉर्मल हो रहे हैं उनका अलग सिस्टम है वहां पे एलसीज ओपन होती हैं वो एक अलग सिस्टम है दीज आर ऑल डिफरेंट सिस्टम अब पॉसिबिलिटी ये है कि या तो आपसे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या आपका क्लाइंट है वो ये कह सकता है कि हमें इसका एक पर्टिकुलर सिस्टम डिजाइन कर दें मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि हमें सिर्फ हमारा जो क्लाइंट्स की हैंडलिंग सिस्टम है यानी कि जब हम अकाउंट ओपन करते हैं और हैंडलिंग करते हैं हमें सिर्फ आप वो उसका डेटाबेस बना दें एक तो पॉसिबिलिटी ये है दूसरी पॉसिबिलिटी ये है वो कहते हैं कि हमें सारा जो है ना वो आप ऑटोमेट कर दें सारे के डाटाबेस बना दें तो इधर वे फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज वर्किंग और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पहले पार्टली वो काम कर रहा था उन्होंने अपने दो या तीन सिस्टमेस बनाया हुआ था वो कहते नहीं हमें सारे चाहिए तो क्या आया आपने जो पहले काम कर रहे थे उनके साथ उनको पैच लगाना है अटैच करना है या कि आपने सारा नए सिरे से बनाना है एनी वे इन इन एनी केस आपको उस एग्जिस्टिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा उसकी वर्किंग को समझना पड़ेगा तो पहला फेज जो है उसका यही ऑब्जेक्टिव यह है कि आप उसकी वर्किंग को समझें और इसके बाद यूजर की रिक्वायरमेंट्स को आप अंडरस्टैंड करें क्योंकि इन्हीं बेसिस के ऊपर आपने जो है वो अपने डेटाबेस को डिजाइन करना है अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो प्रिलिमिनरी स्टडी फेज है इसके दौरान हम आ, कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं लेकिन पहला सवाल ये पैदा होता है कि हम टूल इस्तेमाल ही क्यों करते हैं जो टूल हम इस्तेमाल करेंगे बेसिकली वो है डाटा फ्लो डायग्राम और ब्रीफली इसको डी भी कहते हैं डी के ज़रिए आप जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको आप उसकी वर्किंग को उसकी फंक्शनिंग को या उसमें जो डाटा का फ्लो है उसको डिस्क्राइब करते हैं इसकी ज़रूरत क्यों है क्यों हम इसको ग्राफिकली शो करते हैं उसकी वजह यह है कि जब आप ग्राफिक्स के ज़रिए या सिंबल के जरिए एक चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो दो ग्राफिक्स या दो सिंबल्स दे हैव गॉट सम स्पेसिफिक मीनिंग दे आर सिंपल फिगर्स वेरी फ्यू इन नंबर और उनको आप इस्तेमाल करते हुए अपने सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं और उसको सामने रखते हुए यू डिस्कस द वर्किंग ऑफ द सिस्टम विद द यूजर ऑफ दैट सिस्टम विद द ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि यह जरूरी है कि यू बोथ एग्री ऑन द थिंग्स यानी जिस तरह से सिस्टम काम कर रहा है उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया बट वी हैव टू मेक इट श्योर कि जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है आपने वही समझा है इसलिए द थिंग्स दैट वी डिस्क्राइब वर्बली दैट वी डिस्क्राइब इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ दे मे मीन डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल यानी मैं एक फिक्रा बोल रहा हूं उसका मतलब मेरे नज़दीक कुछ और हो सकता है यानी मैं कन्वे कुछ और करना चाहता हूं लेकिन हो सकता है कि सुनने वाला उससे कुछ और मतलब ले तो अगर जब हम खास तौर पर टेक्निकल बातों में अगर हम एक फिक्रे से में, अगर जो हम कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे ना हुआ बल्कि थोड़ा सा आप असल मीनिंग से सुनने वाला हट गया तो अगर यूथ थोड़ा थोड़ा हटते रहे तो ओवरऑल जो पिक्चर बनेगी वो एक्चुअल पिक्चर से बहुत मुख्तलिफ होगी इसलिए दिस इज रिकमेंडेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम इज एक्सप्रेस यूजिंग दीज ग्राफिकल सिंबल्स इनको आप सामने रखेंगे और उनको देखते हुए आप यूजर जो है जो जो उसको इस्तेमाल कर, उस कर रहे हैं सिस्टम को उनसे डिस्कस करेंगे बताएंगे उनको एक्सप्लेन करेंगे कि इस सिस्टम में यह होता है या ऐसे होता है यहां पर यह प्रोसेस होता है यहां पर यह लोग इन्वॉल्व हैं कैसे होता है और एक बात यह भी है कि दिस टूल द डीएफी इज सो सिंपल इवन द यूजर कॉमन यूजर कैन अंडरस्टैंड इट दैट दैट वेरी वेल और अगर वो समझ नहीं भी सकता तो उसको समझने की जरूरत नहीं है आप इसको ड्रॉ करें इसको बनाए एग्जिस्टिंग सिस्टम की वर्किंग को एक्सप्लेन करें इस टूल को इस्तेमाल करते हुए उसका ड्राइव और फिर उसको सामने रखते हुए आप डिस्कस करें यूजर से एक एक चीज पे एग्री करें कि सिस्टम की वर्किंग ये है एक फायदा तो उसका ये है कि इट गिव्स यू ए डिस्कशन पॉइंट इट गिव्स यू ए गल पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ विच यू डिस्कस योर अंडरस्टैंडिंग विद द यूजर ऑफ दैट सिस्टम एक चीज तो ये है दूसरा फायदा इसका यह होता है कि कल को अगर कोई और वहां पे आपकी जगह कोई बंदा आता है जॉब करने के लिए वो वो आपको टेक ओवर करता है और सिस्टम में कोई चेंज करना चाहता है तो है उसको भी पहले इस सिस्टम की वर्किंग समझनी पड़ेगी तो जो डी एफ डी है ये उसको प्रिसाइजली समझा सकेगी बता सकेगी वर्किंग ऑफ दिस सिस्टम चुनाचे वजह है ये जरूरत है ये फायदे हैं टूल को इस्तेमाल करने के लिए सिस्टम की वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए आइए देखते हैं कि डी होती क्या है डाटा फ्लो डायग्राम्स द डी एफ डी रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन डिफरेंट प्रोसेस विद इन सिस्टम सिस्टम कोई भी सिस्टम आप ले लें उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं अब प्रोसेस होता क्या है इसकी जो प्रिसाइज uh, डेफिनेशन है इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ डी एफ टी वो हम आगे पढ़ेंगे लेकिन इन जनरल आप ये सोच सकते हैं अभी जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं किसी भी सिस्टम के अंदर मिसाल के तौर पे अगर आप बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम की तो अकाउंट ओपनिंग एक वहां पे काम हो रहा है एक, एक पूरा सिस्टम है अकाउंट हैंडलिंग का उसमें अकाउंट को ओपन करना चेक से पैसे निकलवाना या पैसे जमा करवाना दीज आर डिफरेंट प्रोसेसिस जो कि उस सिस्टम के अंदर बैंकिंग सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं तो ये जो डाटा फ्लो डायग्राम है जो डी है ये बताती है कि एक सिस्टम के अंदर जो मुख्तलिफ प्रोसेस हैं वो कौन कौन से हैं और उसमें फिर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं और इसके अलावा जो डाटा यहाँ फ्लो करता है जो इंफॉर्मेशन फ्लो करती है वो कैसे चलती है इससे आपको सिस्टम की वर्किंग का अंदाज़ा होता है ये डिफरेंट कैरेक्ट्रिस्टिक्स हैं उसकी डी की Uh, इसमें लिखा हुआ है कि सिंपल एंड इंट्यूटिव नॉट फोकसिंग ऑन डिटेल्स सिंपल रहता है थोड़े से सिंबल्स हैं ज्यादा सिंबल्स भी नहीं है ताकि वो ज्यादा कम्पलेक्स ना हो जाए और इट डिस्क्राइब्स वट यूजर्स डू रादर दैन वट कंप्यूटर्स डू इसमें जो प्रोसेस जिसमें यूजर इन्वॉल्व हैं उनको मैंशन करते हैं इसकी लिमिटेशन भी हैं कुछ के ये सिर्फ डाटा uh, के फ्लो पे फोकस uh, करती है ये जो जिस बेसिस पे आप डिसशन करते हैं कि एक फैसला हुआ मिसाल के तौर पे कि एक प्रोसेस है उसके बाद या तो ये प्रोसेस होगा या ये प्रोसेस होगा ये तो आप शो करेंगे कि इस प्रोसेस के बाद ये दो प्रोसेस में से कोई एक होगा ये दोनों होंगे लेकिन ये किस बेस पर फैसला हुआ है कि ये वाला होना है या वो वाला होना है तो डिसीशन है किस बेसिस पे डिसीशन होते हैं दैट यू डू नॉट रिप्रेजेंट इन द डीएफी अब उसके बाद ये चीज है कि यहां से हम पढ़ने जा रहे हैं डी के जो डिफरेंट सिंबल्स हैं उनको कि डी एफ डी बनाने के लिए आप कौन कौन से सिम्बल्स इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहला जो सिंबल है वो है डेटा फ्लो या डेटा फ्लोस इसका पर्पज क्या है दीज आर दाइपलाइंस थ्रू विच पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो एंड डेटा फ्लोज आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एरोज एरो विद द नेम ऑफ द डाटा दैट मूव थ्रू और ये आपके पास एक डाटा फ्लो का सिंबल है इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक एरो है इसका एक हेड है इसमें ये शो हो रहा है कि जिस तरफ आपका एरो का हेड है कि डाटा इस डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है यानी कि फ्रॉम द टेल ऑफ दिस एरो डाटा इज मूविंग टुवर्ड्स द हेड ऑफ द एरो और दूसरी बात यह कि आप इस एरो को लेबल करेंगे लेबल इस तरह करेंगे जिससे ये अंदाजा होगा कि ये जो डाटा फ्लो हो रहा है वो डाटा है क्या इसके बाद जो दूसरा सिंबल है हम इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डाटा स्टोर डाटा स्टोर इज बेसिकली ए स्टोर कह लें कलेक्शन कह लें लेंप्रजरी है जहां पर के डाटा जो है वो स्टोर होता है स्टैटिक डाटा से बात यह है कि यह ऐसा डाटा होता है कि जो इतना फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता बल्कि ज्यादातर यह फिक्स रहता है इसके अलावा यह है कि इसका मतलब यह है कि डाटा स्टोर जो है वहां पे आप वो डाटा स्टोर करते हैं कि जो आप प्रोसेसिंग के लिए बाद में किसी प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं जाहिर है कि जो डाटा सिर्फ एक प्रोसेस में इस्तेमाल होता है उसका कोई फ्यूचर यूज नहीं है उसको आप स्टोर नहीं करेंगे बट द डाटा दैट इज लाइकली टू बी यूज इन फ्यूचर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग उसको आप डेटा स्टोर के अंदर या फाइल्स के अंदर स्टोर करेंगे और इसका भी नाम होता है जो कि नॉर्मली एक नाउन होता है और दिस इज अ सिंबल दे आर यू यूज फॉर द डाटा स्टोर इसके बाद है आपका प्रोसेस प्रोसेस जो है वो किसी एक प्रोसेसिंग को एक्टिविटी को शो करता है और प्रोसेस क्या हो सकता है इसका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोसेस कुड बी वेरी लिटिल वेरी स्मॉल एक्टिविटी और इट कुड बी ए ह्यूज बिग प्रोसेस तो कोई भी एक्टिविटी uh, या आप यू कह लें कि जिस जगह पे डाटा जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाए और उसमें ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी चेंज को डाटा में आ रही हो मिसाल के तौर पे अगर एक जगह पे आपका डाटा पहुंचा लेट्स एक फॉर्म पहुंचा एक प्रोसेस में एक सेक्शन में किसी जगह किसी ऑर्गेनाइजेशन uh, के अंदर एक सेक्शन में फॉर्म पहुंचा और वहां पे उस सेक्शन के अंदर उन्होंने सिर्फ यह चेक किया कि आया फॉर्म सही तरह फिल हुआ है या नहीं हुआ अब यहां अगर फर्ज करे फॉर्म फिल सही हुआ हुआ है तो उन्होंने आगे फॉर्म ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे सेक्शन को ऑल दो इस सेक्शन ने डाटा uh, में कुछ चीज ऐड तो नहीं की डाटा की फॉर्म चेंज तो नहीं की बट एटलीस्ट वेरीफाइड द डाटा इज करेक्ट अब जो आपको पहले डाटा था नाउ इट हैज बिकम ए वेरीफाइड डाटा तो कम से कम ये चेंज तो हो गई है तो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड ए प्रोसेस जरूरी नहीं है कि जो, जो प्रोसेस आपका वो डाटा में कोई चेंज भी करे या कोई ऐड भी करे एनी एक्टिविटी एनी प्रोसेस ऑन द डाटा वेयर द डाटा द इट्स फॉर्म तो आप कहेंगे दिस इज ए प्रोसेस और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं इधर विद सर्कल और ए राउंड एट रेक्टेंगल जैसे कि आपके साथ नजर आ रहा है इनमें से आप कोई सा एक सिंबल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं आ, लेकिन नॉर्मली ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप ये करें कि एक डायग्राम बना रहे हो तो उसमें दोनों इस्तेमाल कर रहे हो कि दोनों इस्तेमाल तो हो सकते हैं ऐसा नहीं है आप इनमें से कोई एक चूज कर लें जो कि आपके लिए कन्वीनियंट है और फिर तमाम डायग्राम के अंदर वही सिंबल इस्तेमाल करें जब आप इस प्रोसेस सिंबल को डी डी के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप एक तो ये है कि हर प्रोसेस जो है उसमें कोई नंबर होता है उसमें एक नंबर दिया हुआ होता है वो नंबर किस उसूल के तहत होता है कैसे उसकी नंबरिंग करते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे उसमें आप कोई जो है ना वो आ, उसको आ, अंदर प्रोसेस के अंदर नाम भी डालते हैं वो कोई वर्ड भी हो सकता है या कोई पूरा छोटा सा फ्रेज भी हो सकता है लेकिन जाहिर है कि पूरी कहानी वहां पे नहीं हो सकती इट कुड बी टू और थ्री और फोर वर्ड्स एंड दैट्स ऑल यानी जिससे आपको जस्ट उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना मकसद होता है कि ये कौन से प्रोसेस हमारी मुराद है और जब आपके नेशनल हाई लेवल सिस्टम है तो वहां पर आप नॉन भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम देखेंगे इसकी एग्जाम्पल और ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम एक प्रोसेस सिंबल के अंदर नंबर भी लिखते हैं और उसके अंदर प्रोसेस का जो नाम है जहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है इस जगह पे आप प्रोसेस का नाम लिखेंगे और ऊपर जहाँ पे 1.0 लिखा हुआ है इस जगह पे आप प्रोसेस का नंबर लिखेंगे लेकिन नंबरिंग की टेक्निक हम बाद में पढ़ेंगे इसके अलावा डी में एक और सिंबल है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एंटिटीज एक्सटर्नल एंटिटीज को हम डेटा का सोर्स और डेस्टिनेशन भी कहते हैं यानी जो आपकी एक्सटर्नल एंटिटी है नॉर्मली ये या तो डाटा जनरेट करती है या डाटा को एक्सेप्ट करती है इसके अलावा यहाँ पे एक और सवाल ये पैदा होता है कि वाई डू यू कॉल दम एक्सटर्नल एंटिटीज उसमें ये है कि नॉर्मली uh, हम ये सपोज करते हैं डी बनाते हुए कि सिस्टम को एक हम चीज़ समझ लेते हैं समथिंग दैट इज़ सर्विंग ए सर पर्टिकुलर पर्पस मिसाल के तौर पे हमने अगर किसी इदारे का किसी किसी तली इदारे का एडमिशन सिस्टम की अगर बात करें तो जो एक्टिविटी है प्रोसेसिंग ऑफ द एडमिशन सिस्टम उसको हम एज अ सिस्टम कंसिडर करते हैं उसके बाद जो भी चीज़ें उसके साथ इंट्रैक्ट करती हैं डाटा उससे रिसीव करती हैं या उस सिस्टम के किसी पार्ट को सिस्टम के किसी प्रोसेस को उस सिस्टम के किसी एक्टिविटी को डाटा प्रोवाइड करते हैं उनको हम एक्सटर्नल एंटिटीज़ कह देते हैं इससे मुराद आप जो जैसे लफ्ज़ है एक्सटर्नल एंटिटी इससे ये हरगिज हरगिज मुराद नहीं है कि ये कोई आपके सिस्टम से बाहर की चीज़ होगी या उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की चीज़ होगी कोई भी चीज़ वो कोई एंटिटी हो सकती है कोई चीज हो सकती है कोई और सिस्टम हो सकता है जो कि हमारे इस सिस्टम को जिसको हम के अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं एंड अल्टीमेटली जिसको हमें डेवलप करना है उसमें डाटा किसी शक्ल में या तो प्रोवाइड करते हैं या डाटा उससे एक्सेप्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल एंटिटी जो सिंबल हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो एक रेक्टेंगल है इसके अलावा एक और सिंबल जो कि डी डी में इस्तेमाल होता है वह है कलेक्टर कलेक्टर जो है इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती कलेक्टर सिर्फ हम उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमें यह सिचुएशन दिखानी होती है कि मल्टीपल डायरेक्शन से डाटा आता है और उस जगह से वो सिर्फ एक डायरेक्शन में चला जाता है यानी इज नो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व इट जस्ट हैल्टीपल डायरेक्शन फॉम मल्टीपल मल्टीपल प्लेस फॉर मल्टीपल सिंबल एंड देन इट ट्रांसफर्स द डाटा टूअर्ड इन ए सिंगल डायरेक्शन और जो सिंबल इसके लिए इस्तेमाल होता है वो ये है यानी इसकी जो राउंड साइड है इस साइड पे यू विल प्लेस मल्टीपल एरोज मे बी टू थ्री और मोर और इससे जो फ्लैट इसकी साइड है यहां से एक सिंगल एरो जाएगा वो आगे किसी प्रोसेस की तरफ या किसी की तरफ यहां से जाएगा इसी तरह जो इसका उलट है सेपरेटर वो भी यही करता है कि यहां पे कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी लेकिन इफ यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम वन साइड एंड वॉन्ट टू प्लेस इट इन टू मल्टीपल डायरेक्शन तो उसके लिए यू यूज द सेपरेटर सिंबल और उसकी ये उसका बिल्कुल उलट है ये इस तरह से तो इसकी फ्लैट साइड है इट विल रिसीव डाटा फ्रॉम वन साइड और जो इसकी राउंड साइड है यहां से मल्टीपल डायरेक्शन में जो डाटा है वो ट्रांसफर करेगा। रिंग सम ऑपरेटर, इसमें ये एक ऐसा ऑपरेटर है कि जो ये शो करेगा कि जहां पे अगर मल्टीपल डायरेक्शंस हैं और उन डायरेक्शंस में से किसी एक में डाटा फ्लो करेगा पे फ्लो करेगा दैट इज नॉट द कंसर्न इन द डीएफी लेकिन जहां, जहां पर यह दिखाना मकसद हो कि दीज आर मल्टीपल डायरेक्शन और मिसाल के तौर पर इसको आप एक सेपरेटर के आगे लगा सकते यानी यह हो सकता है कि एक जगह से डाटा आ रहा है और वहां से अगर मल्टीपल डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन उनमें से किसी एक के अंदर जो है वो उन मल्टीपल डायरेक्शन में से किसी एक पे जाएगा तो वहां पे साथ ही आप ये सिंबल प्लेस कर देंगे इसी तरह एंड ऑपरेटर यानी ये, ये होगा कि आप मल्टीपल शो करते हैं Uh, अपने एरोस uh, या डाटा फ्लो शो करते हैं और वेन यू यू वॉन्ट टू शो के डाटा विल बी मूव इन बोथ द डायरेक्शन तो उन दोनों एरोज के दरमियान आप प्लेस करेंगे ये वाला सिंबल तो इससे क्या जाहिर होगा कि ये दो डायरेक्शन हैं और इनमें से दोनों के अंदर डाटा जो है वो फ्लो करेगा डियर स्टूडेंट्स सो फार वी हैव स्टडीड डिफरेंट सिंबल्स दैट वी यूज इन द डीएफ नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ

कॉन्टेक्स डायग्राम कॉन्टेक्स डायग्राम जो है इसमें एक सिंगल प्रोसेस या सिंगल सिस्टम दिखाया जाता है या ये एक सिंगल प्रोसेस या सिस्टम पर डिपेंड करती है या आप ये समझ लें कि इसमें पूरे सिस्टम को एज अ होल एज अ सिंगल प्रोसेस या सिंगल सर्कल को सिंगल बबल uh, को इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता है और कोई प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व नहीं होता इसमें कोई डाटा स्टोर कोई और सिंबल इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन एक सिंगल प्रोसेस सिंगल सिस्टम और इसका इंटरेक्शन विद द एक्सटर्नल एंटिटीज यानी कॉन्टेक्स डायग्राम शोज द सिस्टम एज अ होल प्लस इट्स इंटरेक्शन विद द एक्सटर्नल एंटिटीज नो प्रोसेस नो डेटा स्टोर इन द कॉन्टेक्स डायग्राम और नेम जो है इसका वो एक उमन जो है वो नाउन के तौर पे या फ्रेज के तौर पे इसमें आ, लिखा जाता है इट शोज ओनली इनपुट आउटपुट्स लेकिन जो इनपुट्स आउटपुट होंगे ओनली फ्रॉम द एक्सटर्नल एनिटीज ऑब्वियसली एक्सटर्नल एनिटीज होती हैं डाटा स्टोरेज पे नहीं है और एक बात यह रखिएगा कि वेन यू आर डिवेलपिंग द कॉन्टेक्स डायग्राम देन यू विल नॉट शो एनी डाटा फ्लो बिटवीन द एक्सटर्नल एनिटीज़ हर एक्सटर्नल एनडिटी जो है इट विल इंटरेक्ट ओनली विद द सिस्टम यानी डाटा फ्लो करेगा आउट ऑफ एन एक्सटर्नल एनडिटी टू दिस्टम या सिस्टम

अब सप्लायर जो है दैट कुड बी ए सिंगल पर्सन जब आप देखते हैं मेटीरियल प्लानिंग डिपार्टमेंट अब ये पूरा डिपार्टमेंट एज एन एंटिटी यहां पे शो हुआ हुआ है पर्सन एन एंटिटी और देखें जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है वो भी इज नॉट एनी पर्सन अ कंप्लीट डिपार्टमेंट इट मीन्स एनी थिंग दैट प्रोवाइड डेटा टू द सिस्टम और रिसीव डेटा फ्रॉम द सिस्टम इज कंसिडर्ड एज एन एक्सटर्नल एंटिटी इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ द डी एफ टी इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि इस स्लाइड के अंदर आपको डाटा फ्लोज भी दिखाए जा रहे हैं अब हर जो आपकी एक्सटर्नल एंटिटी है वहां से या तो डाटा सिस्टम को प्रोवाइड किया जा रहा है या उससे रिसीव किया जा रहा है मिसाल के तौर पे अगर हम सप्लायर एंटिटी को देखें तो सप्लायर एंटिटी जो है इट प्रोवाइड्स एन एन वॉइस दिस इज ए फॉर्म ऑफ डाटा दैट फ्लोज फ्रॉम द एक्सटर्नल एंटिटी सप्लायर द सिस्टम अब यहां दरम्यान में सिस्टम जो है इसमें कंप्लीट सिस्टम को शो किया गया है एज ए होल जो सिस्टम प्रोवाइड करता है सप्लायर को एक तो वो उसे ऑर्डर देता है ठीक है और दूसरी बात ये है कि वो उसको सिस्टम से उसको पेमेंट जनरेट होती है अब एक चीज अगर, अगर यहां पे आप गौर करें शायद आपने महसूस किया हो कि यहाँ पे परचेजिंग सिस्टम जो है उससे ऑर्डर जा रहा है और पेमेंट जा रही है लेकिन जो परचेजिंग सिस्टम है उसको सप्लायर से आइटम्स रिसीव नहीं हो रहे यानी जो आपका सप्लायर है वो इनवॉइस तो देगा परचेजिंग पर्चेज, सिस्टम को बट द सप्लायर विल नॉट सप्लाई द आइटम्स ऑल द सप्लायर इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम द परचेजिंग सिस्टम बट इट इज नॉट सपलाइंग द आइटम्स टू द परचेजिंग सिस्टम स्टिल द पेमेंट टू द सप्लायर इज बींग मेड बाय द परचेजिंग सिस्टम अब यह वो चीज है कि जब आप सिस्टम को स्टडी करेंगे तो यहां से आपको रहा कि द पर्टिकुलर सिस्टम दैट वी आर कंसिडरिंग नाउ वट आर द फंक्शनैलिटी वट आर द एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म बाय दिस सिस्टम अच्छा इसमें अगर आप देखें तो यहां पर uh, दिखाया गया है रिसिविंग डिपार्टमेंट अब रिसीविंग डिपार्टमेंट क्या करता है वो दिखा लेता है कंफर्मेशन ऑफ रिसीट जो है वो देता है परचेजिंग सिस्टम को इसका मतलब क्या हुआ अब जो आपका सप्लायर है दैट सप्लाइज आइटम टू द रिसीविंग डिपार्टमेंट और जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है वो चूंकि हमने कहा कि दो एंटिटीज के दरमियान डायरेक्टली चूंकि डाटा फ्लो नहीं आ सकता कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में इसलिए वो यहां पर शो नहीं किया गया

कि जो आपका मटेरियल प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो रिसीव करता है रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट से और वो आपका जो परचेजिंग सिस्टम है उसको जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट भेजता है कि मुझे फ्ला मटेरियल की रिक्वायरमेंट है ये मुझे आप लेके दीजिए और इसके बाद जो परचेजिंग सिस्टम है वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है सप्लायर के साथ ये तो एक एग्जांपल थी कॉन्टेक्स्ट uh, डायग्राम की आइए uh, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट डायग्राम की एक और एग्जांपल दिखाऊं इस डायग्राम के अंदर एक यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन सिस्टम है वो दिखाया गया है पहले की तरह से आप देखिए कि दरमियान में एक बड़े प्रोसेस सिंबल के जरिए या बबल के जरिए यू हैव शोन द इट्स सेल्फ इसके अलावा बाकी जो चार इसमें एक्सटर्नल एंटिटीज हैं वो एंटिटीज़ हैं जो कि सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करती हैं मिसाल के तौर तो पे अगर आप डीन एंटिटी को देखें तो जो डीन एंटिटी है वो मांगती है एडमिशन सिस्टम से फैकल्टी लोड शीट्स यानी हर फैकल्टी मेंबर का क्या वर्कलोड है इसी तरह जो डीन एंटिटी है वो उसे रिक्वायर करती है क्लास काउंट्स क्लास में जिस भी क्लास में आपने एडमिशन किया है उसमें स्टूडेंट्स की कितनी तादाद है अगर आप फैकल्टी मेंबर्स को देखें वो भी एक यानी हमारे पास एंटिटी है तो वो एडमिशन सिस्टम से उसको चाहिए क्लास की लिस्ट जिस क्लास को उससे पढ़ाना किसी फैकल्टी मेंबर ने उस क्लास की जो लिस्ट है जिसमें कितने स्टूडेंट्स हैं कौन कौन है वो आपका जो एडमिशन सिस्टम है वो सप्लाई करेगा फैकल्टी मेंबर्स को ऐसे अगर आप रजिस्ट्रार को देखें तो वो एडमिशन सिस्टम को ये बताएगा कि हम इस सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्स ऑफर करने जा रहे हैं और इसी तरह जो स्टूडेंट्स का डाटा है वो उनको वो प्रोवाइड करेगा इसी तरीके से जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आपके एडमिशन सिस्टम से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें फलां क्लास में एनरोल कर लें या फलां क्लास का हमें रजिस्टर कर लें और इसी तरह से जो आपका एडमिशन सिस्टम है वो जो आपके स्टूडेंट एक्सेप्ट होंगे जिनको रजिस्टर कर लिया जाएगा उनको वो शेड्यूल पास करेगा तो ये दो एग्जाम्पल्स थी कॉन्टेक्सट डाइग्राम की और इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि कॉन्टेक्स डायाग्राम का बेसिकली पर्पज ये है कि वो सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो एंटिटीज़ हैं जो उसकी एक्सटर्नल उनमें उन से किस किस के साथ उसका इंटरक्शन होता है और डाटा किस फॉर्म में जो है वो फ्लो करता है सिस्टम और एंटिटीज के डियर स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है उसको स्टडी किया है अब इसके बाद जो हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम की दूसरी किस्म है जिसे हम कहते हैं लेवल जीरो नॉट डायग्राम उसको डिस्कस करेंगे जो लेवल नॉट डायग्राम है ट रिप्रेजेंट दर सिस्टम और याद रखिएगा कि जो भी सिस्टम जिस भी सिस्टम की आप डी एफ टी बनाए उसमें लेवल जीरो डायग्राम जो है वह लाजमी तौर तो पर शामिल होगी क्यों क्योंकि ये पूरे सिस्टम को यानी इसकी पूरी वर्किंग को लेवल नॉट डायग्राम ये रिप्रेजेंट करती है यानी बिल्कुल मुमकिन है कि दर इज अस्टम दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी डिटेल डायग्राम लेकिन आपको Uh, जो कॉन्टेक्स डायग्राम है और जो आपकी लेवल नॉट डायग्राम है ये जरूर बनाने हैं बल्कि इवन अगर आप वेल इन वेरी एक्सट्रीम केसेज आई वॉन्ट रिकमेंड इट बट रियली इफ यू हैव टू अवॉइड यू कैन अवॉइड कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इवन लेकिन विदाउट द लेवल नॉट डायग्राम देयर इज नो डी एफ डी ठीक है अब बात यह है कि जो uh, uh, जो आपकी लेवल नॉट डायग्राम है इट रिप्रेजेंट्स

क्योंकि अगर आप सेम सिस्टम की डायग्राम दो मुख्तफ आदमियों से कहें बनाने के लिए तो जो लेवल नॉट डायग्राम में डेप्थ होगी जो उसमें डिटेल होगी वो मुख्तिफ होगी तो मुख्त बंदों की चाहे वो सेम सिस्टम की बना रहे हो इसी तरह अगर दो मुख्तफ सिस्टम हैं और द सेम पर्सन इज डिवेलपिंग दिस लेवल नॉट डायग्राम फॉर टू डिफरेंट सिस्टम तो उसमें जो लेवल ऑफ डेप्थ होगी वो डिफरेंट होगी यू हैव डेव टू मेनटेन ए बैलेंस क्या मुराद है कि अगर आप सिस्टम बहुत बड़ा है एंड इफ यू इफ यू ट्राई टू पुट टू मच डिटेल इन द लेवल नॉट डायग्राम दिस विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स देन इट विल बिकम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दूसरी तरफ अगर आप इसको बहुत ही मुखर कर देते हैं उसके दो नुकसान होंगे एक नुकसान तो यह होगा कि दैट डायग्राम विल नॉट पोर्ट्रे इनफ इंफॉर्मेशन वॉन्ट बी मच यूजफुल एक तो इसका होगा दूसरी बात यह होगी कि फिर उसके अगेंस्ट आपको जो डिटेल डायग्राम है वो बहुत सी बनानी पड़ेगी जो उनकी बहुत डेप्थ रखनी पड़ेगी तो देर इज रियली नो हार्ड एंड फास्ट रूल के आपकी जो लेवल नॉट डायग्राम है उसमें कितनी डिटेल होनी चाहिए कितना मटेरियल होना चाहिए उसका साइज क्या होना चाहिए इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम एंड ऑन द पर्सन हु इज डिजाइनिंग दैट डायग्राम आइए हम डिस्कस करते हैं कि लेवल नॉट डायग्राम को बनाने के तरीके क्या हैं या उसका आ, उसकी मेथडोलॉजी क्या है लेवल नॉट डायग्राम बनाने के लिए पहला फेज ये है कि आप जिस सिस्टम के लिए यह डायग्राम बनाने जा रहे हैं उसके आप डिफरेंट मॉड्यूल्स आइडेंटिफाई कर लें और उन मॉड्यूल्स को आप बारी बारी इसमें जाहिर करना शुरू करें जब आप उन मॉड्यूल्स को बारी बारी रिप्रेजेंट करेंगे तो मुनासिब जगहों पे उन मॉड्यूल्स में आपस में लिंक भी पैदा होगा वो लिंक कैसे पैदा हो सकता है वो थ्रू एंटिटीज हो सकता है थ्रू प्रोसेस हो सकता है थ्रू डाटा स्टोर्स हो सकता है किसी भी तरीके से हो सकता है तो चुनाचे आप ये करते हैं कि आप पहले आप ये करें कि उसके जो उसमें एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं उनको आप ड्रॉ कर लें उसके बाद उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं उनको लिख के उनको आपस में आप लिंक कर लीजिए और इसी तरीके से जो इसमें डाटा स्टोर्स इन्वॉल्व हैं उनको भी साथ आप बना लें और यूँ आपका जब एक मॉड्यूल रिप्रेजेंट हो जाए उसके बाद आप दूसरे मॉड्यूल को लीजिए तीसरे को और जो बारी बारी इसके अलावा इसमें जो हम एक ख़ास बात का इसको ध्यान रखना है वो ये है कि जो हम प्रोसेस नंबर लिखते हैं अपने प्रोसेसिस के सिंबल के अंदर उनकी ख़ास फॉर्मेट होती है उसका फॉर्मेट ये होता है कि आप उसको करते हैं नंबर देंगे लाइक वन टू थ्री फोर इस तरह से नंबर देंगे और डॉट या डेसिमल के बाद जीरो देंगे यानी जो आपके लेवल जीरो डायग्राम है लेवल नॉट डायग्राम है उसमें जो आ, प्रोसेस आपके हैं उनमें हमेशा वन पॉइंट जीरो टू पॉइंट जीरो थ्री पॉइंट जीरो इस तरीके से जो है वो उसमें नंबरिंग होगी अब उसमें एक डिपेंड ये करता है कि जो भी प्रोसेस आपने रिप्रेजेंट किए हैं लेवल नॉट डायग्राम में उनमें से बास प्रोसेसेस ऐसे होंगे कि जो आपने शो तो कर दी हैं लेकिन उनकी जो डिटेल है वो बहुत ज्यादा है अगर अब अगर आप उस प्रोसेस की डिटेल शो करते हैं लेवल नॉट डायग्राम में उससे वही प्रॉब्लम होगा कि वो जो डायग्राम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी जिसको कि समझना मुश्किल हो जाएगा, जाएगा। चलते अच्छा आप ये करते हैं कि उसको सिर्फ जो बड़ा प्रोसेस है उसको एक सिंगल बबल के साथ या सिंगल सर्कल के साथ आप अपनी जो लेवल नॉट डायग्राम है उसमें शो कर देते हैं लेकिन जो उसकी आ, फिर जो डिटेल है उस प्रोसेस की उसको फर्दर आप एक्सप्लेन कर देते हैं डिटेल्ड डायग्राम के अंदर और इसमें एक बात याद रखने की ये है कि यू कैन हैव जस्ट वन कॉन्टेक्स्ट डायग्राम फॉर एनी सिस्टम यू कैन हैव जस्ट वन लेवल नॉट डायग्राम बट यू कैन हैव एज मैनी डिटेल डायग्राम एज यू लाइक एज यू नीड इन अ सिस्टम फिर यह है इसमें कि जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि आपने जो आपके डाटा फ्लोज हैं उनको लेबल करना है और एक चीज का ये ध्यान रखिए कि जो आप डाटा फ्लो शो करेंगे इसमें वो कभी भी आप एक्सटर्नल एंटिटी टू एक्सटर्नल एंटिटी शो नहीं करेंगे बल्कि नॉर्मली ऐसे होगा कि आप एक एक्सटर्नल एंटिटी से डाटा जनरेट हुआ इट गोज इन सम प्रोसेस और उस प्रोसेस से अगर डाटा जो है वो अगर आपने चाहे तो किसी और एक्सटर्नल एंटिटी को ट्रांसफर कर दें या चाहे तो किसी डेटा स्टोर में मूव कर दें हाँ ये जरूर हो सकता है कि आप डाटा को एक प्रोसेस से डायरेक्टली दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट सेंडिंग इट टू एनी अदर एक्सटर्नल जनरल रूल थे जिसको जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं कि हम कैसे लेवल नॉ डायग्राम बनाते हैं ये जो डायग्राम है ये यूनिवर्सिटी के एक एडमिशन सिस्टम की है इसके हम जो मॉड्यूल बनाते हैं फर्स्ट करें इसमें हम एक मॉड्यूल आइडेंटिफाई करते हैं एप्लीकेशन या अप्लाइंग एक मॉड्यूल दूसरा मॉड्यूल हम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन और तीसरा हम मॉड्यूल ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जनरेटिंग द एडमिशन लिस्ट यानी उसको आप फाइनली एडमिशन लिस्ट जनरेट कर देते हैं तो ये हम तीन मॉड्यूल आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे पहले हम रिप्रजेंट करते हैं इसका एप्लीकेशन प्रोसेस का जो मॉड्यूल है ये देखिए आपके सामने हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि ये हमारा वो मॉड्यूल है कि जो अप्लाइंग को जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको डील करता है ये मॉड्यूल हमारा दूसरा जिसमें आप देख रहे हैं इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे जो हमारे लोग इन्वॉल्व हैं जो हमारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं वो उसको प्रोसेस करते हैं और फाइनली ये हमारा वो मॉड्यूल है कि जो के फाइनल लिस्ट जो है वो डिस्प्ले करता है इशू करता है और किस तरह से ये जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं डिफरेंट प्लेसेस पे एक दूसरे के साथ लिंक हुए और उन्होंने एक पूरे सिस्टम की जो रिप्रजेंटेशन दी है और आप ख़ास तौर पे इसमें जो जो प्रोसेसेस के नंबर हैं उनको भी नोट कीजिए कि वो 1.0, 2.0 इस फॉर्मेट से हैं और लेवल नॉर्थ डायग्राम में हमेशा जो प्रोसेस नंबर हैं वो इसी फॉर्मेट में होंगे डियर स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको जो लेवल नॉर्थ डायग्राम की एग्जाम्पल दिखाई है एडमिशन सिस्टम की मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ आ गई होगी लेवल नोट डायग्राम के बारे में या इन जनरल डी के बारे में एक बात जहन में रखिएगा कि डी के कुछ सही होने का या गलत होने का कोई असूल या कोई क्राइटेरिया नहीं है जो उसके रूल्स हैं डी बनाने के आप उनको मद्देनज़र रखते हुए जो भी डायग्राम बनाएं उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो पहले तो वो आपको खुद क्लियर हो यानी वो वही रिप्रेजेंट कर रही हो कि जो आपकी समझ है जो आप समझ सकें सिस्टम के बारे में दूसरी बात यह है कि अगर उसी डायग्राम को कोई और सिस्टम कोई और इंसान या कोई और बंदा भी देखे तो वो भी वही चीज समझे जो कि आपने पोर्ट्रेट किया जो आपने दिखाया है क्योंकि तो डीएफडी का मकसद ही यही है कि जो कि आपको सिस्टम की वर्किंग को सिस्टम के प्रोसेसेस को डेटा फ्लो को एक्सप्लेन करे आज के लेक्चर में हमने जो डाटा बेस डेवलपमेंट के डिफरेंट फेजेस हैं उनको डिस्कस किया एक ख़ास प्रोसेस को मद्देनज़र रखते हुए उसके अलावा हमने जो उसमें से पहला फेज था जिसे हम कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस या प्रिलिमिनरी स्टडी जिसे हम कहते हैं उसको हमने डिस्कस किया और उसमें जो टूल इस्तेमाल होता है डी हमने उसको डिस्कस करना शुरू किया उसको हमने उसकी जो डायग्राम्स की दो टाइप्स हैं कॉन्टेक्सट डायग्राम और लेवल नॉट डायग्राम उसको हमने डिस्कस कर लिया है अब अगले लेक्चर में हम इनश्ला डिटेल्ड जो डी एफ टी उसको डिस्कस करेंगे आपसे इन अगले लेक्चर में मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़